हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो वात, पित्त और कफ को एक साथ बैलेंस करेगी। उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो हमारे बॉडी में अगर वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस नहीं रहते हैं तो उनको एक साथ बैलेंस करती है। कई बार बॉडी में क्या होता है कि एक एज के बाद वात बढ़ने लगता है, जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें कफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही थोड़े से टीन एज में आते हैं तो पित्त बढ़ने लगता है, और थोड़ा सा 60 से ऊपर या 50 से ऊपर है वात बढ़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों का इलाज आपकी सिर्फ एक ही औषधि में छिपा है, वो है त्रिफला चूर्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बनाना कैसे है। त्रिफला चूर्ण बनाने का एक सिंपल सा तरीका है जो आप सभी घर में बैठे आराम से बना सकते हैं। चाहे तो बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की आती है त्रिफला चूर्ण, आप ले सकते हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल औषधि है जो आप घर में आराम से बना सकते हैं। इसमें सबसे जो मुख्य रूप से जो तीन चीज़ें शामिल होती हैं, सबसे पहली है हरड़े, दूसरी है बहेड़ा, तीसरी है आंवला। आंवला सबसे ज़्यादा जो एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी है आंवला के अंदर है, विटामिन सी मिलता है और हमारे बॉडी को जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करती हैं। तो आइए इसको बनाना कैसे है वो सीखिए। आप हरड़े ले सकते हैं, बहेड़ा ले सकते हैं, आंवला। इनको आपको जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ध्यान रखनी है, इनका प्रोपोर्शन, इनको कितनी मात्रा में आपको एक साथ मिलाना है। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि इनको बराबर मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं, हर चीज़ आधी आधी। बट आपको क्या करना है, 1-2-3 अनुपात में इनको मिश्रित करना है। कैसे, मान लीजिए आप हरड़े ले रहे हैं 100 ग्राम, तो बहेड़ा लेनी है आपको 200 ग्राम और आंवला लेनी है आपको 300 ग्राम। तो आप समझे 1-2-3 का अनुपात। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हरड़े लेनी है 100 ग्राम और बहेड़ा लेनी है 200 ग्राम, आंवला लेनी है 300 ग्राम। इस प्रकार से 1:2:3 का अनुपात करके आप त्रिफला चूर्ण घर पर बना सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण लेने के क्या फ़ायदे होते हैं वो भी सुनिए। त्रिफला चूर्ण लेने से अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत पुरानी कब्जियत है और उसे पेट में ब्लॉटिंग और बहुत सारे एसिड बनने लग जाते हैं, गैस बनने लग जाती हैं, तो अगर आप उसी त्रिफला चूर्ण को रात में लेते हैं तो वो आपके बॉडी के लिए रेचक का काम करेगा। रेचक का मतलब जो आपकी पेट की सफाई करता है। तो आपको लेना कैसे है, आपको एक चम्मच त्रिफला या तो गर्म पानी के साथ लें या दूध के साथ भी त्रिफला चूर्ण का, आप जैसे फाकी लेते हैं हम आमतौर पर, तो आप एक चम्मच लीजिए और ऊपर से गर्म दूध पी सकते हैं। और अगर दूध के साथ नहीं लेंगे तो आप गर्म पानी के साथ भी त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या लेने का है, सुबह के समय। मान लीजिए जिसकी बॉडी में वात, पित्त, कफ बैलेंस नहीं है, कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम है, विटामिन्स की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, तो वो भी आप त्रिफला से पूरी कर सकते हैं। क्योंकि त्रिफला चूर्ण में है बहुत से मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, विटामिन डी भी है और विटामिन सी भी है, बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जो आपको लेने से, त्रिफला लेने से आपके शरीर में पूर्ति होगी। आपको सुबह कैसे लेना वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। सुबह आपको त्रिफला चूर्ण लेनी है, वो तो आप ले सकते हैं गुड़ के साथ या फिर शहद के साथ। कई लोग जैसे शहद नहीं ले पाते हैं तो आप गुड़ के साथ उसको त्रिफला चूर्ण को मिक्स करके लीजिए या फिर शहद में मिला के आप खा लीजिए। तो इस प्रकार से त्रिफला चूर्ण लेने से आपका जो शरीर है पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। रात को लेंगे तो कब्जियत दूर होगी और दिन में लेंगे तो आपका वात, पित्त, कफ बैलेंस होगा, और इसी से आप स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नई रेमेडीज़ के साथ। शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए।